Today we will discuss next important act, Act of Settlement 1781. Welcome to my channel Chhaya Classes. Let's start. The Act of Settlement 1781. It was the first attempt in India towards separation of power by defining the respective areas of jurisdiction. मीन्स इस एक्ट के थ्रू ज्यूडिक्शन की जो ओवरलैपिंग थी उस पावर को सेपरेट किया गया ताकि क्लियर हो सके कि किसका ज्यूडिक्शन कितना है जो रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं था. सी बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट. फर्स्ट डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773. One of the biggest problems created by the Regulating Act was the tussle between the Supreme Court and the Governor General in Council. Regulating Act में सबसे बड़ा defect ये था कि Supreme Court and Governor की power को clear नहीं किया गया था, जिससे ये एक दूसरे के jurisdiction में interfere करते थे. Next point, interference in the personal laws. There was interference in the personal laws of the communities which had agitated the people. सबसे पहले मैं बता दूं कि ये personal law का मतलब क्या है. जितनी भी communities हैं उनका अपना अपना custom होता था, जैसे हिंदू मुस्लिम. उस time पे ये English law था जो यहाँ पे चल रहा था और वो हिंदू मुस्लिम के लॉ यानी कस्टम में इंटरफेरेंस करते थे. नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लेंट बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. कंप्लेंट वाज मेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट एज फॉर देम इट वाज डिफिकल्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनी के डायरेक्टर्स भी कंप्लेन कर रहे थे कि उनके काम में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हो रहा है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में डिफ़िकल्टीज हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल पा रहा है. नेक्स्ट, टू एड्रेस दिस कंप्लेंट The House of Commons appointed a committee known as Select Committee to do an inquiry about the administration of Bengal, Bihar and Odisha. In sub problem ki inquiry ke liye Select Committee banayi gayi. The Act of Settlement was an amending act of 1781 which was passed by British Parliament on 5th July 1781. To remove the defects of the Regulating Act 1773. It was also known as Declaratory Act 1781. सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 5 जुलाई 1781 को रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट्स को दूर करके सेटलमेंट एक्ट पास किया जिसे डिक्लेरेटरी एक्ट 1781 एंड बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट, Objective of this Act 1781. To remove ambiguity regarding the few provisions of the Regulating Act 1773. To maintain and protect the laws and customs of the native people. इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रोविजंस में जो कन्फ्यूज़न है या जो क्लियरेंस नहीं है उसे दूर करना एंड इंडियन नेटिव्स के कस्टम को प्रोटेक्ट करना. नेक्स्ट, की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 1781. प्रोविजंस मेनली रिलेटेड टू फोर एरियाज इन शॉर्ट में दिया गया है ताकि आपको क्लियर रहे कि इस एक्ट का प्रोविजंस किन एरिया से रिलेटेड था. मेन फोर एरियाज, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, सेकंड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एंड थर्ड रेवेन्यू मैटर्स एंड फोर पर्सनल लॉज. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट, चेंज इन द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. The servants of the company, which earlier came within the jurisdiction of the Supreme Court, were now exempted from the jurisdiction of the Supreme Court in matters of inheritance, succession to land or goods. रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वेंट्स सुप्रीम कोर्ट के ज्यूडिक्शन के अंडर में आते थे लेकिन इस एक्ट के थ्रू वे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूडिक्शन से बाहर हो गए. नेक्स्ट, The court's geographic jurisdiction become limited to only Calcutta, both British and Indian. इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction
केवल कलकत्ता तक कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, द शिफ्ट ऑफ एपिलेट ज्यूडिक्शन फ्रॉम कोर्ट टू द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। द एपिलेट ज्यूडिक्शन शिफ्टेड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। नाउ द अपील्स वेंट फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स टू द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। एपिलेट ज्यूडिक्शन गवर्नर जनरल की काउंसिल में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे अब अपील प्रोविंशियल कोर्ट से गवर्नर जनरल की काउंसिल में आएगी। मीन्स प्रोविंशियल कोर्ट का अपीलीय कोर्ट गवर्नर जनरल की काउंसिल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन इंटरफेरेंस इन रेवेन्यू मैटर्स। द सुप्रीम कोर्ट नाउ हैड नो ज्यूडिक्शन इन द रेवेन्यू मैटर्स कंसर्निंग रेवेन्यू और एनी एक्ट वॉज डन इन द कलेक्शन। रेवेन्यू से रिलेटेड अब कोई भी ज्यूडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रहा। देयरफॉर द गवर्नमेंट नाउ बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कोर्ट इन द मैटर ऑफ रेवेन्यू। अब सरकार रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर में इंडिपेंडेंट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, द एसर्शन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पर्सनल लॉज। द एक्ट एसर्टेड द मोहम्मदन लॉ शुड बी अप्लाइड ऑन द मोहम्मदन केसेस एंड सिमिलरली द हिंदू लॉ मस्ट बी अप्लाइड टू हिंदू केसेस। अ पर्सनल लॉ को इम्पोर्टेंस दी गई ताकि नेटिव्स के कस्टम्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इससे मुस्लिम से रिलेटेड केस पे मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा तथा हिंदू से रिलेटेड केस पे हिंदू लॉ अप्लाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट्स ऑफ द एक्ट ऑफ द सुप्रीम सेटलमेंट। द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ द एक्ट वर दिस एक्ट मेड द पोजिशन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वेरी स्ट्रॉन्ग सो दैट इट कुड कंटिन्यू टू हैव अ गुड कंट्रोल ओवर द इंडियन एम्पायर। अब प्रोविज़न में देख चुके हैं कि गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाया गया और सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिटेड किया गया। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज द फर्स्ट अटैम्प्ट टू सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम टू ज्यूडिशरी बाई डिफाइनिंग द रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ ज्यूडिक्शन। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल पावर एंड सुप्रीम कोर्ट ज्यूडिशरी को के ज्यूडिक्शन को सेपरेट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ हिंदू एंड मोहम्मदंस टू बी गवर्न बाई देयर ओन लॉज। ये आप इस एक्ट के प्रोविज़न में देख चुके हैं कि हिंदू और मुस्लिम अब अपने लॉ से गवर्न होंगे। स्टिल द एक्ट फेल्ट टू गिव अ वाइब्रेंट इम्पैक्ट एंड टू रिमूव ऑल द फ्लॉज ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट, सी माइंड मैप। द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट, चेंज इन द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, कोर्ट्स ज्योग्राफिक ज्यूडिक्शन बिकम लिमिटेड टू ओनली कलकत्ता। नेक्स्ट, एपिलेट ज्यूडिक्शन शिफ्टेड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम रेवेन्यू केसेस। नेक्स्ट, द एसर्शन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पर्सनल लॉज। नेक्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट वॉज ब्रॉट टू रेक्टिफाई द शॉर्ट कमिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्ट वेल। ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच।